डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी इट इज क्लियर टोटल आर इन फोर फॉर एनी करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन टू एनी मैग्नेटिक फील्ड एफ इक्वल आई बी एल साइन थीटा। क्लियर है ना बेटा? व्हेन एनी करेंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन टू एनी मैग्नेटिक फील्ड देन लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन इट इज एफ इक्वल आई बी एल साइन थीटा। ये सभी लोग जान चुके हो कि नहीं? Yes, कि अगर कोई जो है करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लॉरेंट फोर्स एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा लगे है। याद आया? एंड व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल मूव्स इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड देन टोटल लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन इट इज एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। याद आया ना? आज हम लोग प्रूफ करेंगे अमाउंट ऑफ लॉरेंट फोर्स। हिंदी बताना है प्रज्ञान, मेरी स्टाइल में अंग्रेजी सुनो। अमाउंट ऑफ द लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट फोर्स वर्किंग एट एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड। बताओ क्या बोले? कौन समझ गया? बेमानी कर लेते हो। एक बार फिर सुनिए। फाइंडिंग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एनी या मूविंग इन एनी मैग्नेटिक फील्ड। और कोई आमिल सिंपल फंडा बेटा, उस दिन समझाए भी थे। देखो सुनो, फाइंडिंग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड, माने किसी सीधे चालक तार पर लगने वाले लॉरेंट फोर्स का मान ज्ञात करना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड। किसी सीधे धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान प्राप्त करना, लॉरेंट फोर्स का मान प्राप्त करना, वो अभी जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है लॉरेंट वाला उसकी हेल्प से, और शॉर्टकट पे बोले एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा की हेल्प से एफ इक्वल आई वी एल साइन थीटा प्रूव करना है। नहीं समझे? जो चार्ज पार्टिकल होता है अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या अप्लाइड होता है? लॉरेंट फोर्स एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। इसकी हेल्प से किसी कंडक्टर वायर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालना है। यही तो बोला ना बेटा? तो देखो जरा, हेयरिंग बहुत बड़ी बोल दे रहा हूं। लॉरेंट फोर्स फॉर एनी, देखो यार सफेद है कितना अच्छा लिख रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इनटू एनी
मैग्नेटिक फील्ड यही है जी बोल रहे थे बेटा इतनी देर तक जानवी बेटा अब तो तुम्हें समझ में आ गया समझ आ गया भी लंबी हेडिंग है लारिंग फोर्स निकालना है किस पर किसी करें करें का डक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो उस पर कितना लारिंग फोर्स लगेगा ही बताना है लेकिन आपको हेल्प लेनी है किसकी हेल्प लेनी है आप जानते हो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लारिंग फोर्स लगता है उसकी हेल्प से चार्ज पार्टिकल पर जो लारिंग फोर्स लगता है उसकी हेल्प से स्ट्रेट कंडक्टर पर लगने वाले लारिंग फोर्स का अमाउंट आपको बताना है अब समझ में आ गया बेटा तो लुक हियर लेट अस सपोज दैट देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एयर प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है क्या कर दिए है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए है लेट इट्स एरिया इज ए एंड लेंथ इज ए मान ले बेटा एंड सपोज देयर आर यंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स यूनिट वॉल्यूम ये पूरा जो कंडक्टर है इसके यूनिट वॉल्यूम में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से वो सब क्या कर रहे हैं मूविंग कर रहे हैं समझ में आ रहा है बात और जब चार्ज पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उन पर क्या लग रहा होगा लारिंग फोर्स एक पर लारिंग फोर्स लग रहा होगा उसकी मदद से सब पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं और वही स्ट्रेट कंडक्टर पर लगने वाला लारिंग फोर्स आ जाएगा कैसे बेटा जानवी देखो लेट अ स्ट्रेट कंडक्टर सभी लोग जानते हैं स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए ध्यान दीजिएगा कोई एक कंडक्टर है कितना लेंथ है उसकी एरिया कितना है इज प्लेस्ड इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड कोई डाउट नहीं था कोई एक वायर है या लेंथ ऑफ एरिया का मैग्नेटिक फोर्स में प्लेस्ड है इधर क्लियर अब बेटा लेट इट कंटेन्स यंग फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स पर यूनिट वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि इसके इकाई वॉल्यूम में यंग फ्री इलेक्ट्रॉन है लेट देयर आर यंग फ्री इलेक्ट्रॉन लेट देयर आर यंग फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स यूनिट वॉल्यूम कोई डाउट बेटा समझ है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी चूंकि आप जानते हो कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किससे मूव करते हैं समझ में आया अब समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कोई वायर रखे हैं और उसमें सारे चार्ज पार्टिकल रन कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है अगर हम आपसे कहें कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूविंग पार्टिकल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इन पर लारिंग फोर्स लग रहा होगा कि नहीं तो हर इलेक्ट्रॉन पर लारिंग फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा जानना चाहे तो क्यू वी बी साइन थीटा का फार्मूला लगाएं क्यू की जगह ई वी की जगह वी डी और बी की जगह मैग्नेटिक फील्ड बी इधर क्लियर सो मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन जहां भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड में है इसलिए सब पर फोर्स लग रहा होगा और हम लोग बिनो दैट फार्मूला लारिंग फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स फॉर एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू वी वी साइन थीटा यही ना क्यू की जगह बेटा बिकॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई वेलोसिटी की जगह बेटा
because they are moving with velocity vd and b sine theta. It is the force working on any one electron. एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है. अब देखो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है. देखो बालून ऑफ कंडक्टर, लुक हियर, कंडक्टर का लेंथ कितना है, एरिया कितना है, तो इसलिए बलून कितना होगा, यूनिट बलून में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो फाइनल बलून में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, एल एन. सो टोटल इलेक्ट्रॉन, एल बलून है, यूनिट बलून में वन इलेक्ट्रॉन, तो टेन बलून में टेन इलेक्ट्रॉन, और एल बलून में एल एन इलेक्ट्रॉन. वन इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर मल्टीप्लाई हो जाए. सो टोटल फोर्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यही थोड़ा बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई. एक इलेक्ट्रॉन पर 10 न्यूटन का बल है और हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना फोर्स होगा बल्ली भाई. अब यहां बेटा मतलब के पास एक तरफ रख ले एन ई ए बी डी इकट्ठा कर लो. क्या बच्चा बेटा, एल बी याद करो हम लोग जो है इसको पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन में. आपको पढ़ाए थे डिप्ट ब्लास्टी और करंट में रिलेशन. तो आई इक्वल क्या होता था, एल बी साइन थीटा. और ये किसका फार्मूला आ गया, मैग्नेटिक फोर्स या लाइन फोर्स वर्किंग ऑन एनी स्टेट कंडक्टर. तो क्यू ई बी साइन थीटा से ही आ गया कि नहीं, यही तो हेडिंग है. तो ये बच्चों आपके सामने हेडिंग डिराइव कर दिया हमने. आप एक बार कामिक डिफरेंस समझिए, टोटल मैग्नेटिक फोर्स फॉर एनी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इनटू एनी मैग्नेटिक फील्ड. किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर जो लॉरेंट फोर्स लगता है उसकी हेल्प से मैग्नेटिक फोर्स की ही वैल्यू बतानी है, जबकि जो है जो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर पर लगता हो, मींस क्यू वी बी साइन थीटा की हेल्प से आई बी एल साइन थीटा मालूम करना है. लेट अस सपोज दैट देयर इज अ स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए. अगर हम मान लें एल लेंथ और ए एरिया का कोई कंडक्टर है, देन इट्स वैल्यू विल बी एल. वैल्यू ऑफ द कंडक्टर विल बी ए इनटू एल. लेट देयर आर एन फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स यूनिट वैल्यू. मान लेते हैं इसके यूनिट वैल्यू में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, एन. देन टोटल वैल्यू विल बी ए एल एन. इज दैट ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी ए एल एन. अब बेटा बिकॉज ईच फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग विद द ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी वी डी, देन टोटल मैग्नेटिक फोर्स वर्किंग ऑन एनी वन फ्री इलेक्ट्रॉन will be E B D B sin theta from the formula F equal Q V B sin theta. ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है और ये इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स will be product of total number of electron and also force on working on one electron. तो मल्टीप्लाई कर दिए, यह E A B D is the value of I and hence you have the formula F equal I B L sin theta. Right करो बेटा. Dear students, it is most important heading for your board exam. Force working in between two straight parallel and current carrying wires, और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लाप्लास लॉ भी बोला जाता है, एम्पियर्स लाप्लास लॉ या एम्पियर्स लॉ. तो एक बार फिर से समझिए जरा हेडिंग क्या है बेटा, तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा. फोर्स वर्किंग इन बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग
वायर्स, और इसे कौन सा ला बोलते हैं बेटा, एम्पियर ला या एम्पियर लाप्लास ला। इसी फार्मूले से वन एम्पियर की डेफिनेशन जो बनी है, स्टैंडर्ड एम्पियर जो होता है उसकी डेफिनेशन बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, 5 नंबर का पूछा जाता है। हेडिंग से क्या समझ में आया, देयर आर टू वायर्स, कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे, पैरेलल टू ईच अदर होंगे और करंट कैरिंग होंगे, ये बात समझ में। उनके बीच जो फोर्स लग रहा हो उसे ही हमें बताना है, फोर्स वर्किंग इन बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। पैरेलल भी है, करंट कैरिंग भी है, स्ट्रेट भी है, और उनके बीच जो फोर्स लग रहा है बताना है, समझ में आया। तो यहां पर देखो जरा, लेट अस सपोज दैट हियर आर टू वायर। अब इन माय इनफाइनाइट साइज, नेम नहीं लिखेंगे तो इनफाइनाइट साइज, करंट कैरिंग आई वन करंट इज फ्लोइंग इन फर्स्ट वायर, आई टू करंट इज फ्लोइंग इन सेकेंड वायर, एंड वायर्स आर एट अ डिस्टेंस आर विद ईच अदर एंड वायर्स आर पैरेलल आल्सो। हेडिंग हो गई ना बेटा, देखो हियर आर टू स्ट्रेट करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट साइज के भी है कि नहीं बेटा, इतना समझ में आया, कोई डाउट किसी को। लेट देखिए जरा, लेट टू इनफाइनाइट टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट साइज प्लेस्ड पैरेलल या प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर आई वन एंड आई टू करेंट इज फ्लोइंग। समझ आया बेटा, देखो जरा, हियर आर टू वायर्स इन विच आई वन एंड आई टू करेंट इज फ्लोइंग, वायर्स आर एट अ डिस्टेंस आर, समझ में आ रहा बेटा, एंड बोथ वायर्स आर ऑफ इनफाइनाइट साइज प्लेस एट डिस्टेंस आर एंड पैरेलल टू ईच अदर, इतना समझ में आया बेटा। अब यहां याद करो, इफ दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट साइज एंड करंट आई वन इज फ्लोइंग इन इट, देन इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और सपोज करो बी वन, और ये वायर भी करंट कह रही है, ये भी क्या बना रहा होगा, इस मैग्नेटिक अमाउंट को हम जो है बायो सेवर्ट लॉ से मालूम कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर बी वन इक्वल, इस वायर के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड है हम उसे मालूम कर सकते हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड है बायो सेवर्ट लॉ से, याद करिए इनफाइनाइट लेंथ का कोई अगर वायर होता है तो म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बाई आर, यही मैग्नेटिक फील्ड होता है, नहीं बेटा, है ना। थोड़ी देर के लिए समझिए, यहां पर फिगर देखिए, these are two current carrying wires, I1 current is flowing through it, I2 current is going through it, agar I1 current is pe flow kar rahi hai to iske charo taraf kya produce ho raha hai, aur is magnetic field mein dusra wala current carrying wire rakha hai ki nahi, here second current carrying wire is placed into the magnetic field B1, hence Lorentz force is acting on it, जब ये करंट कैरिंग वायर इस फील्ड में है तो इस पर लॉरेंट फोर्स लग रहा होगा कि नहीं बेटा, और हम लॉरेंट फोर्स जानना चाहें कैसे आएगा, या बिल्कुल आइडियल साइन थीटा से, यही ना बेटा, यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, या बाय एल कर देंगे,
तो अब इस फील्ड में ये करंट का रिंग वायर है, तो इस पर फोर्स लग रहा है और इस वायर के कारण ये फील्ड है, और इस फील्ड में ये वाला करंट का रिंग वायर है, इस पर भी फोर्स अप्लाई होगा। फर्स्ट करंट का रिंग वायर प्रोड्यूस इट मैग्नेटिक फील्ड बी वन इन विच सेकंड करंट का रिंग वायर इज प्लेस्ड, हेंस लॉरेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेकंड करंट का रिंग वायर। सिमिलरली सेकंड करंट का रिंग वायर इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बी टू इन विच फर्स्ट करंट का रिंग वायर इज सैचुरेटेड, हेंस लॉरेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट आल्सो। समझ आ गया बेटा, पहले वायर के कारण फील्ड जो बना है उसमें दूसरा करंट का रिंग वायर है, उस पर लॉरेंट फोर्स है, दूसरे वायर के कारण जो फील्ड बना बी टू उसमें पहला वायर करंट का रिंग है, उस पर भी लॉरेंट फोर्स है। दोनों का अलग अलग निकाल ले। देखो इंडस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब लुक हियर, लॉरेंट फोर्स ऑन सेकेंड वायर, सेकेंड वायर पर यूनिट किस लेंथ पर निकाल रहे हैं बेटा? कोई डाउट बेटा? क्या होगा देख के बताओ, F2 by L यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला होता है आई बी एल साइन थीटा, I की जगह I1 नहीं I2, क्योंकि ये इसमें I2 करंट बह रही है, B की जगह B1, L यहां आ गया है साइन थीटा, तो ये क्या हो गया F2 by L इक्वल I2 B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by R साइन थीटा। यू कैन से F2 by L इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 by R साइन थीटा। एनी डाउट बेटा? समझ में आया? ये लॉरेंट फोर्स किस पर आ गया है? इट इज द अमाउंट ऑफ लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन सेकंड वायर। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन फर्स्ट वायर। ठीक है, कैसे? सिमिलरली लॉरेंट फोर्स फॉर फर्स्ट वायर F1 by L, लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा, आई इसमें आई वन है, बी मीन्स बी टू, ये बी टू मैग्नेटिक फील्ड में है, L यहां है, साइन थीटा रख दे बेटा। एनी डाउट? बी टू की वैल्यू इस वायर के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई टू बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा देखो, F1 by L म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर साइन थीटा। समीकरण यह इक्वेशन था, समझ आया कि नहीं? दोनों इक्वेशन देखो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं नहीं? दैट इज एफ वन बाई एल इक्वल एफ टू बाई एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन टू पाई I1 I2 by R sin theta। कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? हम ये F1 by L या F2 by L को ही आप सपोज कर ले, F by L लेट, दोनों फोर्स इक्वल आ रहे हैं ना, F by L इक्वल म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर साइन थीटा। अगर दोनों वायर्स में सेम करंट फ्लो हो, इफ सेम करंट फ्लोस थ्रू वायर्स, इफ आई वन आई टू दोनों सेम रहे और कितना रहे, ठीक है ना बेटा, तो फार्मूला फॉर फोर्स क्या हो जाएगा, F by L equal mu naught upon 2 pi I square upon R sin theta। ये भी डेरिवेशन हो गया और यह भी डेरिवेशन है, दोनों एक ही चीज है।
समझ आ गया कि नहीं बेटा? तो यहां पर फिर समझ लो, टोटल फोर्स वर्किंग इन बिटवीन एनी टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स प्लेस्ड पैरेलल विद ईच अदर, मतलब दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हैं और एक दूसरे से आ रहे डिस्टेंस पर हैं, इनफाइनाइट साइज के हैं। I1 करंट इज फ्लोइंग इन फर्स्ट वायर, I2 करंट इज फ्लोइंग इन सेकंड वायर। हमको बेटा दोनों वायर के बीच का फोर्स निकालना है। तो यहाँ लेट इट इज फर्स्ट वायर, इट इज सेकंड वायर, प्लेस दैट डिस्टेंस आर, I1 एंड I2 आर द करंट एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय फर्स्ट करंट कैरिंग वायर B1 विल बी गिवन बाय बायो सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 2 बाय I1 बाय R। सिमिलरली टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सेकंड करंट कैरिंग वायर B2 इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 2 बाय I2 बाय R। सेकंड करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड B1। सिमिलरली फर्स्ट करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड B2। हेंस लॉरेंट फोर्स इज वर्किंग ऑन बोथ वायर्स। ठीक है, टोटल लॉरेंट फोर्स वर्किंग ऑन सेकंड वायर, वी नो दैट फार्मूला एफ इक्वल आई बी एल साइन थीटा, तो एफ बाई एल फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी आई बी एल साइन थीटा। आई का मीन्स आई टू, बी का मीन्स बी वन साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दिए तो वैल्यू आप एफ वन बाई एल इक्वल एफ वन बाई एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन टू बाई आई वन आई टू बाई आर साइन थीटा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वर्किंग ऑन फर्स्ट वायर। ऐसे फर्स्ट वायर पर निकाल लिए, दोनों सेम आए कि नहीं, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स या टोटल फोर्स वर्किंग ऑन ईच वायर एफ बाई एल इक्वल एफ वन बाई एल इक्वल एफ टू बाई एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर। इट कैन बी रिटेन एज एफ बाई एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर। इफ सेम करेंट फ्लोज थ्रू बोथ वायर मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू आर सेम एंड इक्वल टू आई, देन फार्मूला विल बिकम एफ बाई एल इक्वल म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। समझ आ गया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का इस्तेमाल करके मिस्टर एम्पियर ने 1 एम्पियर करंट का वैल्यू निकाला था, इसी फार्मूले का यूज करके। इस पर हमें न्यूमेरिकल लोग मिलेंगे, तो नोट करो बेटा, तो आगे बताएं।